अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में आज बाइक चोरों का एक गैंग पकड़ा गया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरों के कब्जे से स्कूटी और बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक चोर लंबे समय से वाहन चुराते थे और फिर उन्हें काटकर बेच देते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चोरों की घटना का ASP अमृत जैन ने थाना सिविल लाइन में खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इनका एक साथी अभी फरार है, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय अमृत जैन, थाना अध्यक्ष सिविल लाइन दिनेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने इस गैंग को पकड़ा है। सभी वाहन चोरों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में सरफराज, नसरुद्दीन और शहबाज शामिल हैं। वहीं उनका साथी दानिश मौके से फरार बताया जा रहा है। आज जो पूरे जिले में एक नवनिर्मित एक टीम गठित की गई थी SSP महोदय द्वारा, जिसका नाम है NT Vehicle Theft टीम, उस टीम ने तुरंत ही एक्शन में आते हुए एक आज बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि पूरे जनपद में ये अपनी गाड़ियों को चोरी करके उन्हें काट के और बेचने वाला एक गैंग है, पूरा गिरोह एंटी थेफ्ट टीम प्लस सिटी स्क्वाड टीम प्लस थाना सिविल लाइन पुलिस ने आज पकड़ा है। और इस गिरोह से हमें काफ़ी इसमें रिकवरी भी हुई है और इन सभी को 323/24 एक मुकदमा पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जाएगा। इनसे टोटल मिला के 4 कटी हुई मोटरसाइकिल, जिसमें कि 2 पैशन प्रो, 1 शाइन और 1 डिलक्स के वो कटे हुए कलपुर्जे और सामान है, और 3 बाइक, 1 स्कूटी, और जो ये घटना में और ये जो रेकी करने में प्रयुक्त एक वाहन था, एक इनकी खुद की कार थी, उसको इन सभी को रिकवर करके और इन्हें केस प्रॉपर्टी का पार्ट बना के और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। ये काफ़ी दिनों से इनका चल रहा है, इनमें काफ़ी आपराधिक इतिहास भी पाया गया। इनका 4 लोगों का एक गिरोह है, उनमें से तीन लोग हमने मौके से ही गिरफ्तार कर लिए हैं। एक आदमी है वो फरार हो गया है, जिसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये नेटवर्क कहाँ काम कर रहा था? ये अभी तक की जो हमारी प्रथम दृष्टि इंटरोगेशन रही है, उसमें पूरे जनपद अलीगढ़ में ही अभी तक इसका जो है अपनी इनकी एक्टिविटीज़ फैली हुई थी और अलग अलग जगहों से इन्होंने रेकी करके गाड़ियां चुरा के काट के बेच के और ये अपना पूरा गिरोह चलाते थे। किस लेवल का गिरोह है और इन लोगों का आपराधिक इतिहास किस तरह से है? नहीं, आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिसपे 4 मुकदमे हैं, एक नसीरुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिसपे 1 मुकदमा है, और एक दानिश नाम का व्यक्ति है जिसपे की 1 मुकदमा है, और एक शाहबाज नाम का व्यक्ति जिसपे 1 मुकदमा है। तो इस तरह के ये मूलतः अभी जो है हाल निवासी, जो 3 अभी जो पकड़े जा रहे हैं, जो न्याय अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं, ये तीनों हाल निवासी तो थाना कुआरसी के हैं, और एक जो दानिश जो अभी फरार है वह दिल्ली गेट का निवासी है। नहीं, अभी तक की इंटरोगेशन में इसमें अंतर जनपदीय होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इनका जो एक मुख्य आरोपी है दानिश वो फरार है, उसकी इंटरोगेशन में बाकी बातें भी सामने आएंगी।